एवरीवन, आज हम बनाएंगे आलू हरे मटर का नाश्ता। ये नाश्ता फटाफट बन भी जाता है और ठंडी के मौसम में खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसे चाय के साथ खाइए, चाहे सुबह चाय पीजिए तो खाइए, चाहे शाम को चाय पीजिए तो खाइए। हल्की सी भूख भी लगी रहे तो इसे खा लीजिए और एंजॉय करिए। तो आइए देखते हैं ये नाश्ता कैसे बनता है। आलू हरे मटर का नाश्ता बनाने के लिए एक कटोरी हरे मटर को छील के ले लिए हैं और दो बड़े साइज का आलू काट के धो लिए हैं। गैस पर एक पैन गरम किए हैं। बड़े चम्मच से डेढ़ चम्मच इसमें सरसों का तेल डालेंगे। सरसों के तेल में यह नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। तेल गरम हो गया है, चौथाई चम्मच इसमें जीरा डाल देंगे। जीरा चटक रहा है, दो हरी मिर्ची पीस के काट के रखी है उसमें डाल देंगे। टमाटर छीला हुआ है इसमें डाल देंगे। मटर को मीडियम लो फ्लेम पर एक मिनट तक फ्राई करेंगे। हरे मटर को फ्राई होते हुए एक मिनट हो गया है। जो आलू काट के रखे हैं टूटी इसमें डाल देंगे और इन्हें भी मिलाएंगे। आलू को मटर के साथ दो तीन मिनट तक फ्राई करेंगे। आलू को फ्राई होते हुए तीन मिनट हो गया है। लहसुन अदरक को एक साथ पीस लिए हैं, ये भर के एक चम्मच पर इसमें डाल के मिला देंगे। आलू मटर के साथ दो मिनट पका लेंगे। लहसुन अदरक को भूनते हुए दो मिनट हो चुका है। आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच डालेंगे। इन्हें मिला लेंगे। अगर आप तीखा कम पसंद करते हो तो इसमें लाल मिर्ची पाउडर कम कर दीजिए। दो बड़ा चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। आलू को गलने के लिए इसमें पानी डाल दिए हैं। अब इसे ढककर मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक आलू गल नहीं जाए। 11-12 दाना काली मिर्च का लिए हैं, इसमें डाल के कूट लेंगे। काली मिर्च कूट के रेडी है। हरी धनिया को धो के ले लिए हैं, अब इन्हें काट लेंगे। तब जो डंठल वाला भाग है इसे हटा देंगे, उनकी पत्तियों को काट लेंगे। ये नाश्ता में हरा धनिया डाल दें तो इसमें खुशबू भी बढ़ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है। हरा धनिया कट गया है, अभी इसे साइड में रखते हैं। आलू को पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं, इसे देख लेते हैं। अभी आलू सही से नहीं गला है। जो काली मिर्च कूट के रखे हैं इसमें डाल देंगे। चौथाई चम्मच चाट मसाला डालेंगे। छोटे चम्मच से आधा चम्मच नींबू का रस डाल देंगे इसमें और इन्हें मिला देंगे। सब चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है, इसे ढककर थोड़ी देर और पका लेंगे। इन्हें पकते हुए थोड़ा देर हो चुका है, अब इन्हें देख लेते हैं। ये अच्छे से पक गए हैं, इसका पानी भी सूख गया है, आलू भी गल गया है। इसमें हरी धनिया डाल के मिला लेंगे, इसको बंद कर देंगे। गर्मा गर्म नाश्ते को सर्व करेंगे। आलू मटर का नाश्ता खाने के लिए रेडी है। ये चाय के साथ खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहें तो इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसे बड़े भी पसंद करते हैं और बच्चे। एक बार आप भी बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।